नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे बटन्स के बारे में। डेल्टा HMI के अंदर एलिमेंट में हमें बटन्स मिलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस के हम बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सेट एंड रीसेट फंक्शन के लिए अगर हमें बटन्स बनाने हैं, मोमेंट्री फंक्शंस के लिए अगर हमें बटन बनाने हैं, मेंटेन्ड है, मल्टी स्टेट है, सेट वैल्यू है, सेट कांस्टेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यूज के लिए अगर हमें बटन्स बनाने हैं, या फिर स्क्रीन को चेंजेस वन स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे जाने के लिए अगर हमें बटन्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे गो टू स्क्रीन बटन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोमेंट्री बटन्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो फर्स्ट हम एलिमेंट में जाएंगे, देन बटन्स, बटन में मोमेंट्री। मोमेंट्री बटन्स जो है वो जैसे नॉर्मल प्रेस एंड रिलीज ऑप्शन पे अगर हमें कोई काम कराना है कि हमने कोई इनपुट प्रेस किया, जैसे HMI पे हमने टच किया तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, जैसे हम रिलीज करें तो जो स्विच हमने डिजाइन किया है यहाँ पे वो ऑफ हो जाए। तो मोमेंट के बेसिस पे अगर हमें कहीं पे भी प्रोसेस करना है, देन हम वहाँ पे मोमेंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे वैल्यूज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराना है प्रेसिंग के बेसिस पे, तब हम वहाँ पे मोमेंट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, राइट एड्रेस। राइट एड्रेस में हमें वो एड्रेस यहाँ पे रखना होगा जिसकी वजह से एक्चुअली में ऑपरेशन हमारा स्टार्ट होगा। लेट सपोज हम यहाँ पे एक मेमोरी बिट रखते हैं M0, एंटर। अभी स्विच के दो स्टेट्स होते हैं, तो स्टेट्स को हम चेक करने के लिए टेक्स्ट में जाएंगे। स्टेट नंबर 0 है तो उस पर हम ऑफ लिखते हैं, लेट सपोज, एंड ऑन पे हम स्टार्ट या फिर ऑन स्टेट लिखते हैं। अब जो हमने लिखा है यहाँ पे, अगर उसके हमें साइज को इंक्रीज करना है, अल्फाबेटिक साइज को, फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, या सेंटर या लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट करना है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद पिक्चर्स, अगर हमें कोई पिक्चर्स भी इसके ऊपर लगानी है तो अभी हम उसको नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे। जैसे अभी इसको हम ओके कर देते हैं, दूसरी बार एक और बटन ले लेते हैं मोमेंट्री। लेट सपोज हम इस पे अब पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं, M1, एंटर। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ना लिख के हम पिक्चर्स के बिहाफ पे इसको शो करना चाहते हैं, तो हम पिक्चर बैंक पे जाएंगे, बटन्स। तो जैसे अभी जो बटन हम सिलेक्शन करेंगे वो ऑफ स्टेज के लिए है, तो ऑफ के लिए हम इनमें से कोई सा भी बटन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का। बहुत सारे यहाँ पे बटन दिए गए हैं, लेट सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारे नॉर्मल पुश बटन के तौर पर हमें शो कराना है, जैसे कि जब ऑफ हो तो इस तरीके का शो हो। उसके बाद हम यहाँ पे एक्चुअल साइज करेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे, स्ट्रेस टू ऑल, यस। और बैकग्राउंड किस कलर में रखना है, लेट्स सपोज हम ग्रीन कर देते हैं इसे, एंड यहाँ से स्टेट चेंज करते हैं 1। जब वो प्रेस होगा तो वो इस तरीके का दिखे, स्ट्रेस टू ऑल, यस एंड ओके। एंड टूल्स पे जाके हम कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं है सिस्टम में, देन हम इसे सिमुलेट करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑन और रिलीज पे ऑफ हो रहा है, वही काम हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं, जब हम ऑफ स्टेज पे है तो जो बटन होगा एक तरीके से अपर साइड में हमें शो हो रहा है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो डाउनवर्ड साइड में शो होगा।
अगर हम इस तरीके से करना चाहते हैं ऑन ऑफ लिख के, या फिर हम वहाँ पे इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोमेंट्री में क्या होगा, जब तक वो स्विच हमने प्रेस किया है तभी तक वो फंक्शन में रहेगा, ऑफ करते ही वो ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना एक मोमेंट्री स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच आता है मेंटेन्ड। मेंटेन्ड का मतलब होता है कि जब तक, अगर एक बार हमने उसको ऑपरेट कर दिया तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन्ड करके रखेगा, और जब हम दूसरी बार उस पर क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे उसे, तो वो ऑफ हो जाएगा। जैसे नॉर्मल अगर हमें कहीं पे भी ऑटो मैनुअल में अगर मशीन को ऑपरेट करना है तो हम वहाँ पे मेंटेन स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहीं पे मैनुअल कंडीशन के अंदर हमें सिलेंडर को फॉरवर्ड रिवर्स कराना है देन हम वहाँ पे मेंटेन स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहीं पे जैसे हमें पीएलसी के अंदर बाईपास अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो एचएमआई के थ्रू हमें बाईपास क्रिएट करना है देन हम वहाँ पे मेंटेन स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेंटेन स्विचेस के लिए हम एलिमेंट पे जाएंगे, बटन्स एंड मेंटेन्ड, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एड्रेस दे देते हैं हम एम लेट सपोज 2, एंटर। अब इसका जो शेप है वो हमें रेक्टेंगल रखना है, स्क्वायर रखना है, या फिर ओवल शेप में रखना है, वो हम स्टाइल के थ्रू यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जिस शेप में हमें चाहिए वो हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ओवल शेप है। देन अगेन यहाँ पे पिक्चर्स के हेल्प से हम उसको बटन्स के फॉर्मेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का एज ए टॉगल स्विच हमें बनाना है तो इधर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ कंडीशन के लिए, स्ट्रेस टू ऑल, यस, एंड जब ये वन हो जाए तब इसके लिए हम टॉगल स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, हम अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे नॉर्मल जो स्लाइडिंग बटन्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक और हमने बटन क्रिएट कर लिया और इसको भी हम राउंड शेप में कर लेते हैं, पिक्चर्स में चाहते हैं, और यहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। हम फाइल करते हैं, अब मेंटेन में क्या होगा, जैसे ऑफ है अगर हम ऑन कर देते हैं इसे तो ये एक स्टेट पे चला जाएगा और उसी स्टेट पे रुका रहेगा। अब जब हम दूसरी बार इस पे प्रेसिंग करेंगे तभी ये अपना स्टेट चेंज करता है। एक बार क्लिक करते हैं तो ऑपरेट होगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ऑफ होगा। सेम वे नेक्स्ट कंडीशन पे जो हमने मेंटेन की बनाई है इस पे अगर हम प्रेस करते हैं तो वो चीज स्टेट पे रुक जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तब वो जाके रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे जब मोमेंट्री हम चेक करते हैं, प्रेसिंग पे ऑपरेटेड है, रिलीज करते हैं वो ऑफ हो रहा है, लेकिन मेंटेन में जब प्रेस कर दिया तो वो उसी स्टेज पे होल्ड हो गया। यहाँ पे जब तक प्रेस है तब तक ही ऑपरेटेड है, रिलीज करने पर वो ऑफ हो रहा है, लेकिन मेंटेन वो अपना स्टेट होल्ड करके रखेगा। जैसे हम दोबारा से उसको स्विच को प्रेस करेंगे
तो उसके जो कंडीशन होगी वो ऑफ में प्रोसेस के अंदर जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन के अंदर मोमेंट्री या मेंटेन स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम मोमेंट्री और हम मेंटेन स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।